के बाद रायपुर नगर निगम के सभापति पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा किया है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने भाजपा के प्रमोद साहू को 8 वोट से हराया। प्रमोद ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को दिया है। प्रमोद दुबे ने कहा है कि रायपुर विकास की गंगा बहाई गई और सभापति प्रमोद दुबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा। महापौर के बाद पद के बाद अब सभापति पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और रायपुर शहर के अभी पूर्व में महापौर रहे प्रमोद दुबे इस बार सभापति बने हैं। एक बार और मौका पार्टी ने दिया है, सभापति की जिम्मेदारी आप संभालेंगे रायपुर नगर निगम में। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, आदरणीय मोहन मरकाम जी को और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को, माननीय विकास उपाध्याय जी को, माननीय कुलदीप जुनेजा जी को, माननीय अनीता शर्मा जी को और सभी उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भाई एजाज झेबर के ऊपर विश्वास किया। रायपुर शहर देश में अपना स्थान बना चुका है मान सम्मान में, इसकी गरिमा बनाए रखना और आगे और कैसे प्रगति करे, प्रथम सोपान पर कैसे रायपुर आए, ये हम सबकी साथ लेने चलने की जिम्मेदारी हो गया। हाँ, निश्चित रूप से पहले भी ये जिम्मेदारी रही है, इस सदन में मैं नेता रहा हूँ तो वैसे भी ये एक 5 साल का दौर गुजरा है, सबको साथ में लेकर चलेंगे पक्ष विपक्ष सब। ये थे हमारे साथ नए सभापति प्रमोद दुबे जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सभापति रायपुर नगर निगम के बने हैं और 31 वोट जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रमोद साहू उनको मिला और प्रमोद दुबे जो महापौर भी थे उनको 39 वोट प्राप्त हुआ है। सभापति बनने के बाद प्रमोद दुबे ने खुशी जाहिर की है। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, सुराज, रायपुर। नगरीय निकाय